हमारा देश अपने आप में अनेक परंपराएं, मान्यताएं और राज समेटे हुए हैं। देश में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिनकी कहानी इतनी पुरानी और अद्भुत है कि सालों से लोग इसे धार्मिक परंपरा मानते हुए इसका निर्वहन करते आ रहे हैं। बिहार के मधुबनी जिले में ऐसा ही एक तालाब है जिसकी कहानी चौंकाने वाली है। बताया जाता है कि इस तालाब का पानी गंगा के पानी की तरह कभी खराब नहीं होता है। और तो और पुराने समय में ये राहगीरों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें खाना बनाने के लिए बर्तन दिया करता था। ये तालाब मधुबनी जिले के लौकी प्रखंड अंतर्गत झहुरी स्थल पर है। इस तालाब की विशेषता ये है कि इसका पानी कभी खराब नहीं होता। मान्यता है कि इस तालाब में देवी देवताओं का वास है। इस कारण वर्षों पूर्व इस रास्ते से जब राहगीर गुजरते थे तब वो विनती कर तालाब से बर्तन की मांग करते थे। अचानक तालाब से बर्तन बाहर आ जाता था, फिर राही खाना बनाकर बर्तन साफ कर पुनः तालाब के किनारे रख दिया करते थे। बर्तन खुद ब खुद अंदर चला जाता था। इस तालाब की कहानी राजा हरिहर सिंह देव से जुड़ी हुई है। इस तालाब पर स्थित झहुरी स्थल काफी ऐतिहासिक महत्व रखता है। बाबा हरिहर सिंह देव की समाधि भी यही है। हर साल यहाँ बैसाखी के दिन मेला लगता है। जिले के अलावे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल सहित आसपास के लाखों लोग इस दिन तालाब में डुबकी लगाने यहाँ आते हैं। जानकारी देते स्थानीय लोगों का मन्नतें होती हैं पूरी। लोगों का मानना है इस तालाब के नजदीक जो भी मन्नत मांगा जाए वो बाबा हरिहर सिंह देव की कृपा से पूरी होती है। लोगों का मानना है कि इस तालाब में हृदय सिंह और उनकी पत्नी की आत्मा वास करती है। तालाब के बीचों बीच एक कुआं भी है। आज तक इस तालाब को कोई भी व्यक्ति तैर कर पार नहीं कर सका है। इतिहास के पन्नों में इस तालाब की अद्भुत कहानी है। लोग मस्तक टेक कर तालाब को प्रणाम करते हैं।